मेरे भाइयों, जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए, अनिष्ट निवारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर को समर्पित होकर के उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि उनकी कृपा से हमें मानव का शरीर मिला है, जिससे हम अपने भविष्य का, अपने लोक और परलोक का निर्माण कर सकते हैं, सही मार्ग पर ले जा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और परिवार की तरक्की का माध्यम बन सकते हैं। तो नित्य पूजा बहुत आवश्यक कार्य है दैनिक जीवन में। लेकिन इनके अलावा, इस नित्य पूजन के अलावा भी कुछ विशिष्ट अनुष्ठान करने की आवश्यकता पड़ जाती है, साधना और उपासना करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए, अनिष्ट समय को टालने के लिए, मृत्यु को टालने के लिए कुछ विशिष्ट साधनाएं की जाती हैं, कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं। हालांकि ये अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में ही किए जाते हैं और आचार्यों को भी शुभ मुहूर्त और शुभ समय की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आचार्यों को तो जानकारी होनी ही चाहिए, आपको भी बहुत जरूरी है जानकारी, क्योंकि पैसा आपका खर्च होता है, समय आपका खर्च होता है, आस्था आपकी लगती है, और कहीं आपको बेहतर परिणाम ना मिल करके कुछ अशुभ परिणाम प्राप्त हो जाएं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति आपकी आस्था डिगेगी। तो कोई भी अनुष्ठान, आप विशिष्ट अनुष्ठान अपने घर में करा रहे हो, तो आप ये जरूर समझ लें, पुरश्चरण दीपिका में एक ग्रंथ है, पुरश्चरण दीपिका, उसमें बताया गया है कि रविवार, शुक्रवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये जो दिन हैं, यंत्र मंत्र साधना और अनुष्ठान के लिए बहुत श्रेष्ठ दिन माने जाते हैं, विशेष फल मिलता है। शनिवार को अगर कोई मृत्युकारक जो मंत्र आरंभ किया जाता है और सही मुहूर्त ना हुआ तो मृत्युकारक हो जाता है, मंगलवार को ठीक नहीं होता है, और सोमवार को भी बहुत अच्छे परिणाम ना मिलकर के सामान्यतः परिणाम मिलते हैं। मुहूर्त गणपति के अनुसार बताया गया कि पुनर्वसु पुष्य हस्त उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा उत्तरा भाद्रपद श्रवण धनिष्ठा सद्विषा रेवती अश्वनी अनुराधा रोहिणी और मृग शिरा नक्षत्र के जो पुण्य दिन होते हैं उनमें शांति कर्म, शांति अनुष्ठान, पौष्टिक अनुष्ठान इत्यादि किए जाने चाहिए। और इनके सब के बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण, ये जानकारी अधिकांश आचार्यों को नहीं रहती है, तो आचार्यों को भी ये जानकारी होनी चाहिए और आपको तो होनी ही चाहिए। वैशंपायन संहिता के अनुसार मेष लग्न में अगर कोई विशिष्ट साधना प्रारंभ करते हैं तो धन धान्य बढ़ता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। वृषभ लग्न में ठीक नहीं होता है, मृत्युकारक होता है। मिथुन लग्न में संतान के लिए अरिष्टकारक होता है, ठीक नहीं होता है। और कर्क लग्न में अगर अनुष्ठान की साधना प्रारंभ की जाती है तो सब तरह की सिद्धियां मिलती हैं। सिंह लग्न में नहीं करना चाहिए, बुद्धि के लिए ठीक नहीं होता है, वृद्धि के लिए ठीक नहीं होता है। कन्या लग्न में साधना प्रारंभ करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वृश्चिक लग्न में स्वर्ण का लाभ होता है। धनु लग्न में कोई भी विशिष्ट अनुष्ठान आप करेंगे तो यजमान के लिए बहुत अरिष्टकारक होता है, ठीक नहीं होता है, नाश कर देने वाला होता है। मकर लग्न में अच्छा होता है, पुण्य लाभ मिलता है। कुंभ लग्न में करने से धन और समृद्धि मिलती है, और मीन लग्न में दुख प्राप्त होता है। ये बहुत विशिष्ट जानकारी है और आचार्यों को तो जरूर होनी चाहिए और इसका ज्ञान आपको भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत आस्था और विश्वास के साथ धन का खर्च करके आप कोई अनुष्ठान कराते हैं तो ये आपकी अपेक्षा भी रहती है और अपेक्षा होनी भी चाहिए कि आप अपने कष्टों से मुक्ति पाएं। लेकिन साधना निष्फल हो जाए या आपके कुछ कष्ट बढ़ जाएं तो ये तो बिल्कुल गलत स्थिति होगी और फिर आपका ईश्वर पर से श्रद्धा विश्वास डिगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।